सब्सक्राइब कीजिए ओनली एमएस वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर को एज ए बुलेट कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने चार लाइन ली हुई है। अब यहाँ पर अपनी इमेज को या पिक्चर को हम एज ए बुलेट जो है वो यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इन चारों लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब में। ये देखिए, ये रहा होम टैब। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट हैंड साइड में चलिए और यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है बुलेट्स का, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है नीचे वाले ऑप्शन पे, यानी कि डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। छोटा सा विंडो ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, सिंबल, पिक्चर एंड फॉन्ट। पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी पिक्चर कहाँ से लेना चाहते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर से पिक्चर लेना चाहते हैं, तो हमने पहला वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। अब हमको अपनी पिक्चर अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करनी है। तो डेस्कटॉप पर हमने अपनी पिक्चर सेव कर रखी है, तो डेस्कटॉप पहले हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये रही हमारी पिक्चर, ठीक है। इस पर क्लिक किया और नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट का। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दिखा रहा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ओके क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो पिक्चर है वो जो लाइन्स है उसके बगल में आकर के एज ए बुलेट लग जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे ओके क्लिक किया और ये देखिए ये रही हमारी पिक्चर एज ए बुलेट।